हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पूछे गए जो यूनिट्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट कन्वर्जन। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों, क्योंकि यहाँ से अगर आपने यूनिट कन्वर्ट करना नहीं सीखा ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा आप केमिस्ट्री में, वो आप जो उसका आंसर रिपोर्ट नहीं कर पाते जिस यूनिट में उसने डिमांड की है एग्जामिनर ने। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें जो यूनिट कन्वर्जन सीखना है आज, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो यूनिट कन्वर्जन होता है वो थ्री टाइप्स का होता है बच्चों। यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो ये थ्री टाइप्स का होता है बच्चों। फर्स्ट वन इज सेम सिस्टम। सेम सिस्टम यहाँ से समझना बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिस्टम हमारा रहेगा सेम। सेकंड वन इज इनवर्स सिस्टम। सेकंड वन इज इनवर्स सिस्टम एंड थर्ड वन इज डिफरेंट सिस्टम। थर्ड वन इज डिफरेंट सिस्टम। ओके बच्चों, ये जो थ्री सिस्टम हमारे पास रहेंगे, सेम सिस्टम रहेगा, इनवर्स सिस्टम रहेगा और डिफरेंट सिस्टम रहेगा। यानी कि जैसे देखो, आपको जो है सेम सिस्टम में, जैसे कि मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, इनमें अगर जाना है तो ये हमारा क्या, देखो बेसिक जो मेन यूनिट है वो तो सेम है ना, मीटर 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 मीटर, यानी कि सिस्टम क्या हमारा सेम है। अब जैसे देखो, मीटर से आपको मीटर इनवर्स में जाना है या फिर आपको पिकोमीटर इनवर्स में जाना है, ये क्या हो गया, इनवर्स सिस्टम हो गया बच्चों। ठीक है, अब थर्ड वन अगर हम बात करें, जैसे किलोग्राम से आपको लीटर में जाना है, ये कैसा हो गया हमारा, डिफरेंट सिस्टम। ओके बच्चों, सेम सिस्टम ये रहेगा, इनवर्स हमारा ये रहेगा एंड थर्ड वन इज डिफरेंट सिस्टम। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, डिफरेंट सिस्टम में हमें क्या करना, हमारी जो यूनिट्स रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। इनवर्स में हमें जो यूनिट्स में कैलकुलेट करना है आंसर, वो इनवर्स में आ सकते हैं कि उल्टा। मीटर में हमारा क्या रहेगा, उसी के मीटर, जो मीटर है तो जैसे सेम सिस्टम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये माइंड में रखना है। अब देखो, यूनिट अगर हम कोई भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट जब भी आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर लिखा बच्चों आपने, तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपके पास नंबर है, क्या है नंबर है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, यूनिट है। एक क्या रहेगा नंबर, दूसरा क्या रहेगा यूनिट रहेगा। आप हमेशा देखोगे, अगर आपने इस नंबर को बढ़ा दिया ना, अगर आप नंबर को बढ़ा रहे हैं, यूनिट आपको क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। ठीक है, अगर नंबर बढ़ा के हम लिखेंगे तो यूनिट स्मॉल हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, नंबर को जो है क्या क्या डिक्रीज किया और यूनिट आपने जो है बढ़ाई, तो यूनिट आपकी लार्ज रहेगी। क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। जैसे देखो, ये यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो ऐसे डायरेक्ट क्लियर नहीं होता। जैसे आपने लिखा 4 मीटर, हम 4 मीटर की बात करें, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर होता है ना, तो हम 4 मीटर को किसके इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आई एम राइट, ये लिखेंगे। तो देखो ये यूनिट क्या है बच्चों, लार्ज यूनिट है ना, लार्ज यूनिट है। नंबर क्या अभी यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, अब लार्ज यूनिट से जो अगर आप स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, ये कैसी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, तो नंबर क्या होगा यहाँ पे, लार्ज हो जाएगा। मैं सिर्फ ये चीज़ आपको समझाना चाह रही थी यहाँ पे, कि जैसे देखो यूनिट आपकी लार्ज है और आप उसी की स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, तो यूनिट तो स्मॉल हो जाएगी, बट उस केस में जो नंबर रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ, क्या यूनिट अगर आपकी लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं तो यूनिट तो स्मॉल हो जाएगी, बट नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किलोग्राम से आप ग्राम में जाते हो, ठीक है 1 केजी को हम कितने ग्राम के इक्वल लिखते हैं, 1000 ग्राम के इक्वल लिखते हैं बच्चों, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे नंबर क्या है बच्चों, 1 क्या नंबर आपका, स्मॉल नंबर है। अगर हम 1000 को देखें तो ये कैसा है, लार्ज नंबर है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या है बच्चों, लार्ज यूनिट है, यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर हुआ अब इस और एग्जांपल से, यहाँ पे आपका नंबर क्या था, स्मॉल था, यूनिट क्या है आपकी, बड़े वाली यूनिट ले रखी आपने, यहाँ पे लार्ज यूनिट है। यहाँ पे नंबर का क्या हो गया, बड़ा हो गया, यूनिट आपकी क्या होगी,
स्मॉल हो गए। तो जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉल में जाओगे तो उसका नंबर बढ़ जाएगा बच्चों। यूनिट में हमारे पास दो ही चीज़ें तो होती है, एक उसका नंबर होगा, एक उसके पीछे जो यूनिट लगी होगी वो होगी। तो इनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा कि जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉल में जाओगे तो नंबर है वो बढ़ जाएगा, अगर स्मॉल से लार्ज में आ रहे तो नंबर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये समझाना चाह रही हूँ मैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अभी जो मैंने बोला है। अब देखो बच्चों, देखो इसी पॉइंट से मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, तो जो 10 की पावर में आप लिखते हो ना बच्चों, वो पावर पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव पावर आएगी बच्चों। कैसी आएगी? पॉजिटिव पावर आएगी। जैसे देखो आपने यहाँ पे लिखा 1 kg, हम यहाँ पे इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। तो ये पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? जैसे देखो अब आपको 1000 ग्राम को किस में लिखना है, 1 kg में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 10 की पावर -3 kg। जब आप स्मॉल से लार्ज में जाओगे तो 10 की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव। ये कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता रही हूँ क्या, जब भी आप लार्ज से स्मॉल में जाएंगे, लार्ज से जब स्मॉल में जाते हैं तो जो 10 की पावर आप लिखते हैं यहाँ पे वो क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव पावर आएगी। क्लियर? क्या जब भी आप लार्ज से स्मॉल में जाएंगे तो जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब भी आप स्मॉल से लार्ज में जाएंगे, स्मॉल से अगर आप लार्ज में जा रहे हैं तो जो पावर आएगी वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम आपने लिखा 1 meter = 100 cm, ठीक है, तो हम इस 1 meter को ऐसे भी लिख सकते हैं 10^2 cm। क्लियर है? ये क्या है, लार्ज टू स्मॉल है बच्चों। ये लार्ज टू स्मॉल में पावर कैसे रही बच्चों, पॉजिटिव पावर। क्लियर? अब जैसे देखो आपने क्या लिखा, 1000 cm को आपको मीटर में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 10^-2 meter। देखिए अब स्मॉल टू लार्ज किसका एग्जांपल होगा, स्मॉल टू लार्ज में जब हम गए हैं तो पावर क्या रही है बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है? ये यहाँ तक आपको समझ आया? कोई भी एग्जांपल लेकर आप देख लीजिए, जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉल में लिखोगे तो जो 10 की पावर आप लिख रहे हैं वो पॉजिटिव में लिखेंगे, और जब भी आप स्मॉल टू लार्ज में जाएंगे तो जो पावर है वो हम किस में लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों हम कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, सेम सिस्टम है यूनिट कन्वर्जन का। हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं, लार्ज टू स्मॉल क्या, पॉजिटिव, एंड स्मॉल टू लार्ज। अब हम ये अप्लाई करेंगे, देखो कैसे होंगे, ये क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो अपना मैथमेटिकल जो है तरीका यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ बहुत इजी है, बट जब आपके सामने प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगे, वो थोड़ी डिफिकल्ट आएंगी, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, तो उसके लिए आप ये तरीके सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 kg को जो है आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से उठा के चल रही हूँ, धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरह मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 kg से आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों, लार्ज यूनिट से स्मॉल में जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 5 kg, ये यूनिट तो हमें हटानी है ना, इसको आप क्या कीजिए, नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। क्लियर हो रहा है? अब केजी, लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं, केजी कितने ग्राम की इक्वल होती है बच्चों, 1000 ग्राम की इक्वल होती है ना, इस 1000 ग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10^3। अब ये 10^3 हमें यहाँ पॉजिटिव यूज करनी है, नेगेटिव करनी, दैट्स मैटर। तो देखिए लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं तो कैसी पावर यूज करेंगे बच्चों, हम पॉजिटिव करेंगे ना, तो क्या लिख सकते हैं, 10^3 ग्राम लिखेंगे ना, 1 kg में इतना ही तो होगा, अब किलोग्राम से किलोग्राम को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 5 × 10^3 ग्राम, ये आंसर आएगा बच्चों अब इसका। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देख लें, 10 mm 10 mm into नैनोमीटर,
और 10 मिलीमीटर को हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? देखिए वही सेम स्टेप हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या 10 मिलीमीटर है बच्चों? इसको यहाँ लिख लीजिए पहले 10 मिलीमीटर। अब हमें ये यूनिट खत्म करनी, क्योंकि हमें तो नैनोमीटर में जाना है, तो मिलीमीटर से पहले आप आ जाइए मीटर में। यहाँ पे मैं मिलीमीटर लिखूंगी, मिलीमीटर, स्मॉल टू लार्ज जा रहे हैं बच्चों। मिली का मतलब होता है 10^3, आपने पढ़ा होगा, -3 में था वो। तो देखिए जब आप स्मॉल टू लार्ज में जा रहे हो तो पावर कैसे आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी, तो 10^-3 मीटर हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? मिलीमीटर के तो इक्वल है, इनटू में। अब हमें मीटर को खत्म करना होगा, अब मीटर को नीचे ले आइए। नैनो का मतलब क्या होता है? 10^9, दैट इज नैनो, ठीक है। अब देखिए मीटर से हमें नैनोमीटर में जाना है, तो यानी कि लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल में हम क्या करेंगे बच्चों? पॉजिटिव पावर करेंगे, यानी कि 10^9 नैनोमीटर, क्लियर। अब देखिए इस यूनिट से हम इस यूनिट को कैंसिल करेंगे, इस यूनिट से हम इस यूनिट को कैंसिल करेंगे, हमारे पास ओनली नैनोमीटर रही। यहाँ पे 10^-3 है, यहाँ पे 10^9 है, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 10^(10^6 नैनोमीटर। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, 15 नैनोमीटर टू कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। ओके, 15 नैनोमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों आपको, 15 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए नैनोमीटर नीचे आएगा, क्योंकि ये यूनिट तो हमें रखनी ही नहीं। अब नैनोमीटर और मीटर का क्या लिंक है? पहले हम मीटर में जाएंगे, देन हम किलोमीटर में जाएंगे। नैनो से हमने क्या समझा था? 10^9। अब स्मॉल टू लार्ज में जा रहे हैं बच्चों, स्मॉल टू लार्ज में, नैनोमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होगा, तो स्मॉल टू लार्ज में जब हम जाएंगे तो 10^-9 मीटर माइनस में हो जाएगी वो पावर, मल्टीप्लाई। अब मीटर को खत्म करना हमें, मीटर से जब किलोमीटर में जाएंगे तो ये भी स्मॉल टू लार्ज है, 10^-3 किलो का मीनिंग 10^3 तो होता है किलोमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए नैनोमीटर टू नैनोमीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल हुआ, कितना आंसर है? 15 × 10^-12 किलोमीटर, ये आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में ओनली ये सेम सिस्टम के हमने कुछ एक एग्जांपल स्टडी किए हैं। आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिफरेंट सिस्टम और इनवर्स सिस्टम को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।